दोस्तों आज है हमारे पास क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम के कंप्यूटर का पेपर और आज हम करेंगे इसका रिव्यू और देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस रिव्यू को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सही उत्तर चुनकर लिखिए, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। तो पहले का पहला है कंप्यूटर संचार में किस तरह का संचार होता है। इसमें आपको चार ऑप्शंस मिले हैं, इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगे उस पर क्लिक कर देना है और हर एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है, यानी कि पहले क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो सारे एक नंबर के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। पहले का दूसरा, बूलियन बीज गणित में ए इंटू ए प्लस बी का मान है, यानी कि कंप्यूटर की कोई भी बीज गणित है उसमें ए प्लस ए बी का मान क्या होगा, इसमें भी आपको टिक ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में किसका प्रसार क्षेत्र ज़्यादा है, केबल संचार, माइक्रोवेव संचार, सैटेलाइट संचार और रेडियो संचार। तो जिसका यानी कि MBPS ज़्यादा होगा उस पर आपको क्लिक कर यानी कि टिक कर देना है, ये भी आपको एक ही नंबर इसमें भी मिलेगा। पहले क्वेश्चन में आपको पांच क्वेश्चन है तो तीन क्वेश्चन हो गए। अब चलिए देख लेते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन। तो पहले का चौथा क्वेश्चन है लाइनेक्स OS का मूल भाग क्या कहलाता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जो आपको सही लगे उस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद पहले का पाँचवा क्वेश्चन, ए एरे की एनवी लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होगा। पहले में पांच क्वेश्चन हो गए, पांचों एक एक नंबर के हैं, अगर पांचों आपका सही रहेंगे तो आपको पांच नंबर मिलेंगे। अब ये आपने जो बहुविकल्पीय देखा यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो भी हमने पढ़ा सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ना बेकार है। जिसको समझ में आता है इंग्लिश भी देख ले, इंग्लिश में ही कर लेना अपना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन है निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये भी आपको एक ही नंबर के इसमें दूसरे क्वेश्चन में पांच क्वेश्चन दिए गए हैं और पांचों क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। तो संक्षेप में वर्णन करना है का, यानी कि दूसरे का पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए लॉजिक चित्र का आउटपुट लिखिए, यानी कि इसमें आपको इनपुट दिया गया है और आउटपुट यहाँ पर क्या निकलेगा उसको आपको लिखना है। दूसरे का दूसरा, डाटा संचार की इकाई की चर्चा कीजिए, यानी कि डाटा संचार की इकाई क्या है। तो मेरे हिसाब से बिट्स प्रति सेकंड है। तो पहले दूसरे का क्वेश्चन नंबर का यानी कि तीसरा, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए, यानी कि आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको पूरा नाम इनमें दोनों में लिखना है, CDMA और GPS का। इसके बाद पहले का चौथा सॉरी दूसरे का चौथा, www क्या है समझाइए, यानी कि जो आप सर्च करते हैं तो ऊपर लिखा रहा है www.google.com, तो www क्या है इसको आपको समझाना है, इसका पूरा नाम वाम लिखना है, एक नंबर का ये भी है। इसके बाद दूसरे का पांचवा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी देखना, डायरेक्टरी बनाना, डायरेक्टरी नष्ट करना और डायरेक्टरी कॉपी करने के कमांड को लिखिए, यानी कि इन सारे कमांड्स को इसमें जितने कहे गए हैं इनको आपको लिख देना है और इसमें आपको एक नंबर मिलेगा। तो यही दूसरा क्वेश्चन फिर से हमें इंग्लिश में दिया गया है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश भी एक बार देख लीजिए, जिसको समझ में आता है इंग्लिश वो इंग्लिश देख लेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आपको एक क्वेश्चन का इसमें आपको दो नंबर मिलेगा, पाँच क्वेश्चन दिए गए हैं तो पाँचों क्वेश्चन को करने के बाद आपको 10 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद तीसरे का संचार प्रणाली का एक ब्लॉक आरेख खींचें और सभी ब्लॉक को नामांकित करें, एक ब्लॉक खींचना है और नामांकित करना है। इसके बाद तीसरे का खा, बूलियन बीज गणित में सिद्ध कीजिए ए बी का बार प्लस ए का बार प्लस ए बी इक्वल टू जीरो, इसको आपको सिद्ध करना है बूलियन बीज गणित में हिसाब से। इसके बाद गा, NAND गेट और NOR गेट का लॉजिक संकेत यानी कि लॉजिक सैम्बल बनाकर उसकी सत्य तालिका ट्रुथ टेबल लिखें, यानी कि आपको NAND और NOR गेट का लॉजिक सैम्बल बनाना है और उसकी सत्य तालिका लिखनी है। इसके बाद तीसरे का घा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्स विंडो को समझाइए, यानी कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें आपको एक्स विंडो को समझाना है। इसके बाद तीसरे का पांचवा क्वेश्चन, लाइब्रेरी फंक्शन के दो उदाहरण दीजिए, लाइब्रेरी फंक्शन के आपको इसमें दो उदाहरण लिखना है, दोनों पर एक एक नंबर मिलेंगे यानी कि दो नंबर। इसके बाद यही क्वेश्चन आपको दोबारा यहाँ पर मिलेगा, ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश भी एक बार देख लीजिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, चौथे में आपको
पांच क्वेश्चन मिलेंगे और सभी दो दो नंबर के रहेंगे। पांचों क्वेश्चन करने के बाद आपको 10 नंबर मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा। तो चौथे का पहला है, कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी क्या है, उनके प्रकार, यानी कि टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है और इस टोपोलॉजी की परिभाषा आपको लिखनी है। इसमें आपको मिल जाएगा दो नंबर। इसके बाद चौथे का खा, यानी कि चौथे का दूसरा क्वेश्चन, 11,000 का होल ट्वाइस माइनस 1010 का होल ट्वाइस इक्वल टू कितने का होल ट्वाइस होगा, इसको आपको हल करना है। इसको हल करने पर आपको दो नंबर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा, चौथे का तीसरा क्वेश्चन, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, उसके उपयोग लिखिए। इसके बाद चौथे का चौथा क्वेश्चन घा, एक डायमेंशनल एरे और दो डायमेंशनल एरे का उदाहरण दीजिए। एक डायमेंशनल एरे और दो डायमेंशनल एरे, दोनों का आपको एक एक उदाहरण देना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क के अवयव के नाम लिखिए। इसके बाद यह चौथा क्वेश्चन आपको फिर से इंग्लिश में दिया गया है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, सभी खंडों के उत्तर दीजिए। इसमें पांचवें में आपको तीन क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन का चार नंबर मिलेगा, यानी संक्षेप में नहीं, इसमें विस्तृत वर्णन करना है ताकि आपको चार में से चार मिल जाए। तो तीन क्वेश्चन हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। पांचवें का पहला यानी का है, दिए गए लॉजिक समीकरण का लॉजिक चित्र बनाइए और उसकी सत्य सारिणी बनाइए। इनमें जितने आपको लॉजिक दिए गए हैं इनकी सत्य सारणी बनाना है और लॉजिक चित्र सैम्बल बनाना है। इसके बाद तीसरे का खा दूसरा क्वेश्चन, लाइनेक्स में एडिटर क्या होता है, BI एडिटर को समझाइए इनके और इनके मोड्स लिखिए। यानी कि आपको पहले लाइनेक्स में एडिटर क्या होता है इसकी परिभाषा, फिर BI एडिटर को का विस्तृत वर्णन करना है, फिर BI एडिटर के मोड्स लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर का, लाइनेक्स में सुरक्षा प्रबंध और उनकी विशेषताएं और उनके लाभ का वर्णन किया, यानी कि लाइनेक्स में सबसे पहले सुरक्षा प्रबंध क्या है इसकी परिभाषा, फिर सुरक्षा प्रबंध की विशेषताएं, लाभ जिसे कहते हैं उसको लिखना है और इसका वर्णन करना है, विशेषताएं और लाभ दोनों लिखना है। फिर पांचवा क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिल गया। अब छठवां क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, छठवां क्वेश्चन है, सभी खंडों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको तीन क्वेश्चन मिले हैं, एक क्वेश्चन का चार नंबर, विस्तृत वर्णन करना है। फिर छठवें का सर्चिंग सर्टिंग और मजिंग को समझाइए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। सर्टिंग सर्चिंग और मजिंग को तीनों को समझाना है और तीनों के एक एक उदाहरण देने हैं, चार नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद खा छठे का दूसरा क्वेश्चन, यूजर डिफाइंड फंक्शन की आवश्यकता बताइए और इसके उपयोग का उदाहरण दीजिए। इसके बाद छठे का क्वेश्चन नंबर गा, बूलियन के नियम को सिद्ध कीजिए। बूलियन के नियम से सिद्ध कीजिए, ए का बार प्लस बी इंटू ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए का बार प्लस बी और ए प्लस सी, यानी कि इसको आपको बूलियन के नियम से सिद्ध करना है। इसके बाद यही छठवां क्वेश्चन आपको फिर से इंग्लिश में मिल गया, वही है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जो फाइल का डाटा पढ़े और जिसका नाम student.txt है और दूसरी फाइल में लिखें जिसका नाम record.txt है और साथ ही स्क्रीन पर प्रिंट हो, यानी कि इस आपको सी प्रोग्राम लिखना है और जो इसमें दिया गया है सारी शर्तें वो फॉलो करें। इसके बाद या तो आप इसे केबल कर सकते हैं आठ नंबर में, यानी कि इसमें आपको एक नंबर का आठ क्वेश्चन मिल रहा है, एक पेज कम से कम करना है, या तो आप इसे केवल अकेले ही कर सकते हैं, या आप चाहें तो अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो इन दोनों को क्वेश्चन को कर सकते हैं, नंबर उतना ही मिलेगा। इसमें आपको दो के चार चार मिलेंगे, इसमें आपको एक के आठ मिल जाएंगे। तो इसका का है, सी भाषा में फाइल को समझाइए उनके इस प्रकार लिखें फाइल से डाटा पढ़ने के लिए प्रमुख सी फंक्शन को बताइए। और इसके बाद गा, निम्नलिखित फाइल फंक्शन को समझाइए, इनको आपको चारों को समझाना है, वो लिखना उतना ही पड़ेगा, चाहे जो लिख लें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सातवां क्वेश्चन आपको ही इंग्लिश में मिल गया। अब इसके बाद आठवां क्वेश्चन, सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जो एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों के नाम लिखे और प्रत्येक नाम के आगे उनके चार विषय के औसत नंबर भी लिखे। यानी वो एक प्रोग्राम आपको बनाना है जिसमें आपके क्लास के विद्यार्थियों के नाम लिखे और उसका नंबर भी। तो
ये हो गया। इसके बाद अभी या तो आप इसे कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा, या तो यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है, या अगर आपको ये नहीं आता है 20 विद्यार्थियों वाला तो आप कर सकते हैं। एरे क्या है, इसके भिन्न प्रकार क्या हैं। एरे का प्रयोग करके सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जो एरे में रखे 50 पूर्णांक का औसत मान निकालता हो। एरे वाला करना है, 20 विद्यार्थियों वाला, दोनों में आपको 8-8 नंबर ही मिलेंगे। इसके बाद आठवां क्वेश्चन फिर से वही हो गया, यानी ये इंग्लिश में है, वहाँ पर आपने हिंदी में पढ़ा, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी के पास हमारी वीडियो पहुंच सके, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।